देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2007 में पूछा गया, इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg, मास दे रखा है उसका कितना 1 kg, ठीक है, ए 1 kg है, ओके, एंड रेडियस उसकी दे रखी है 0.1 meter, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है 1 meter per second, ओके, 1 meter per second एंड 1 kg, 1 meter per second एंड दिस वन इज द 1 kg। अब पूछ क्या रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 1 meter स्ट्रेट लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल फोर्स द काइनेटिक एनर्जी इज, ओके, अगर कोई बॉडी विदाउट स्लिपिंग अगर रोल कर रहा है ऐसे, अगर कोई बॉडी मतलब ऐसे एक सॉलिड स्फीयर है, बॉडी ने सॉलिड स्फीयर है ऐसे रोल कर रहा है वी स्पीड से और ओमेगा से मूव कर रहा है, तो हम उस केस में बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग में मिलेगी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बराबर किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक कंसेप्ट लिखते हैं, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग या फिर काइनेटिक एनर्जी लिख दें, चलो पूरा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, इनिशियली प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा मीन्स लाइक वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके, ए वैल्यू पुट करेंगे, आई मीन्स क्या 2/5, आई मीन्स क्या 2/5 एम आर स्क्वायर, रेडियस की अगर उसकी आर है तो वैल्यू पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी अब मैं शॉर्ट करूँगा और इसको लिखूँगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और दूसरा टर्म देखते हैं, अब कुछ भी नहीं है, ये कितना आया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये आएगा 1/5 एम वी स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे 7/10 एम वी स्क्वायर, ओके, वैल्यू पुट करते हैं और एम की वैल्यू कितनी 1 7/10 इंटू 1 स्पीड कितनी 1, इट मीन्स 7/10 यूनिट क्या जूल, 7/10 यूनिट जूल आपका आंसर है, ऑप्शन देख लें, 7/10 जूल, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके, थैंक यू।